नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज जनपद टिहरी के दौरे पर रहे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने नई टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी और बीपुरम में नए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के साथ में ही पीपीई किट पहनकर वहाँ के मरीजों का हालचाल भी जाना है। साथ ही अधिकारियों की बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार को उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी माना जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही काफी संख्या में यात्री चारधाम की यात्रा यहीं से शुरू करते हैं, मगर एयरपोर्ट पर ना होने के कारण कई यात्रियों को काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। देश विदेश से आने वाले यात्री श्रद्धालु भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। इस दिशा में कार्य करते हुए अब सरकार जल्द ही हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर आज हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया है। और हरिद्वार के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हमारी थी, उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज को और जमीन की जो उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबी और 0.5 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप के लिए जो है उसके लिए जमीन की खोज कर रहे हैं। और इससे जो है सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सीधे यात्री उड़ करके और यहाँ पहुँच पाएंगे। और इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ रोजगार बढ़ेंगे और काफी यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। वही ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में आज से गंभीर रोगियों के लिए वेंटिलेटर वार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है। महापौर अनीता ममगई द्वारा विधिवत रूप से फीता काटकर वेंटिलेटर वार्ड का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन राजकीय चिकित्सालय के लिए निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में कोरोना समेत कई गंभीर जो बीमारियां हैं उनके लिए लोगों को यहीं पर सुविधाएं मिल पाएंगी। व्यक्त करूंगी अपने सांसद जी का, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी सांसद निधि से 60,60,000 रुपए दिए। और आभार व्यक्त करूंगी मैं भरत मंदिर परिवार का, जो उन्होंने एक अपना ऋषिकेश कोविड केयर फाउंडेशन बना रखा है कि जो यहाँ पर टेक्नीशियनों का जो भुगतान है, जो उनका मासिक वेतन रहेगा उसको भुगतान करने। पर्यटन नगरी मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक घटना सामने आई है। दरअसल एक गर्भवती महिला को इलाज की सुविधा न मिलने की वजह से उसे मसूरी से देहरादून जाना पड़ा और इसी दौरान गर्भवती महिला ने बच्चे को रास्ते में ही जन्म दिया। मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल कोरोना महामारी में भी जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। हुसैनगंज क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों को राशन वितरित किया गया। इसके बाद क्यारा क्षेत्र के लोगों को भी राशन वितरित किया गया है। मनीष गोनियाल ने कहा है कि बस्तियों और मजदूर वर्गों के परिवारों के पास में हर प्रकार की सहायता पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी में नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां पर सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल की कल से शुरुआत होगी। पहाड़ों में जिस कदर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं उसके चलते इस अस्पताल का लाभ हल्द्वानी के साथ में ही कुमाऊं के सीमांत इलाकों के जो मरीज हैं उनको मिल पाएगा। इस अस्पताल में 100 वेंटिलेटर्स बेड हैं और 125 आईसीयू के बेड हैं, जिससे कि कोविड मरीजों को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, ये पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। इससे पहले ऋषिकेश का उद्घाटन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। इतने बड़े हॉस्पिटल के बनने में समय लगता है। हमने ये कहा था कि कुछ बेड लगा के स्टार्टिंग कर दी जाए 18 तारीख को। फिर हम लोगों के सबके मन में विचार आया कि पूरा ही इसको कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कल तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है, शुरुआत होगी कल को। सब आप लोग भी
वहीं हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय हो रहे फर्जी पत्रकारों पर एसएसपी ने शिकंजा कसने के लिए प्लान तैयार किया है। फर्जी पत्रकारों पर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने बताया कि जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं कि जिन पत्रकारों के द्वारा जबरन उगाही की जा रही है, उन पत्रकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी अपने वाहनों में जो है प्रेस लिख के गलत तरीके से घूम रहे हैं, उनका लगातार हम चेकिंग करेंगे। जो भी ऐसा पता चल जाता है उनको हम वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार बंधु जो जो फील्ड में काम करते हैं उनके बारे में हमारा पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारीगण भी परिचित है। जिसका परिचित नहीं, जिसने प्रेस लिख के चल रहे हैं, उनका बारे में जो हम जाँच करेंगे, यदि वो परिचित पाएगा तो उनका विरोध जो है। उत्तराखंड में लगातार घट रहे कोविड 19 के केसेस के बाद में ऋषिकेश से एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। कोरोना के मामले कम होने के साथ में ही शमशान घाट पर जिन शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था उनकी भी संख्या कम हो गई है। इसी के साथ में लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। सामान्य जो शव है वो तो आ रहे हैं मुक्तिधाम शमशान घाट ऋषिकेश में, लेकिन पिछले दो दिन से कोरोना से संक्रमित शव जो एम्स से, एचआईएसटी से और अन्य स्थानों से हमारे यहाँ आ रहे थे, जो एक बार में तो संख्या 12 से 15 तक पहुँच गई थी। उस समय बड़ी भयानक स्थिति हो गई थी ऋषिकेश में, बहुत ज़्यादा मतलब लोग सोचने लगे थे। उस स्थिति को देखते हुए अब वर्तमान में दो दिन से और आज अभी तक इस समय तक एक भी शव। देहरादून में एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ में मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद में जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 28 को हमारे पास रायपुर थाने में एक डेथ मेमो प्राप्त हुआ था, जिस पर जो है पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। 29 तारीख को मृतक की मां द्वारा जो है एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा मृतक की पत्नी और उसके दोस्त पर जो उनके पुत्र की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना से पता चला है कि जो मृतक की पत्नी है और उसके दोस्त द्वारा उसको जो है नींद की गोली खिला करके उसकी हत्या कारी की गई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। रुड़की में वरिष्ठ समाज सेवी आदेश सैनी सम्राट ने प्रेसवार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वार्ड नंबर 23 में तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इस मामले में वार्ड पार्षद पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ठेकेदार बनकर वार्ड पार्षद ने पूर्व प्रधान के साथ में मिलकर खनन की मिट्टी को लाखों में बेच दिया। बता दें कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मुख्य सचिव को उक्त प्रकरण से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद में सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट व तहसीलदार प्रशासनिक टीम के साथ वे तालाब प्रकरण की जांच करने पहुंचे, जिसके बाद में कहा गया कि जांच करने पहुंची टीम खानापूर्ति करके वापस चली गई। इसमें एक चीज और मैं एक पॉइंट बहुत मजबूत पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको कि तालाब खुदाई के समय जब सौंदर्यीकरण हो रहा है, तालाब की खुदाई कर दी तो तालाब की खुदाई पार्ट में होती है। ये पानी इधर का इधर डाल दो, पहले बीच में एक बंधा लगाकर, और फिर जब ये इधर से खुदाई हो जाएगी तो फिर इधर डाल दो, ताकि उसमें लाखों जीव जंतु जो मेंढक कछुए सांप और ये और अन्य तरह के जो जीव जंतु हैं वो ना मरे वहाँ पर। उनकी भी हत्या करी गई है, वो पता नहीं कहाँ बेचे निकाल कर बेचे हैं या क्या करा उनका, अब ये नहीं समझ में आ रही। अधिकारी ये भी तो देखा ना, जीव हत्या क्यों किस क्या उसको करी आदेश पे, कौन सा आदेश था इनके पास जो जीव हत्या करने का और मिट्टी खुदाई करने का, जब परमिशन नहीं थी तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार के 7 साल पूरे होने पर ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन है अभियान चलाया, और इस अभियान के तहत 350 मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया, साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। आज अपने केंद्र की सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं, सफलतम 7 साल, सबसे पहले उसकी बधाई है। और जिस प्रकार से हमने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया, संगठन ने निर्णय लिया कि सेवा ही संगठन है, और उसके तहत पूरे देश भर के गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं और लोगों को, चूंकि कोरोना जैसी महामारी में
इस प्रकार का हम सेवा का काम करें कि हम कहीं सैनिटाइजर बांटने का काम, कहीं मास्क बांटने का काम, कहीं रक्तदान करने का काम, ये लगातार हमारे। ऋषिकेश में युवाओं ने कोविड किचन की शुरुआत करते हुए लोगों की मदद करने की कोशिश की है। इलाके में रहने वाले बेसहारा लोगों को भोजन दिया जा रहा है। खास बात यह है कि सदस्यों ने कोविड 19 की बीमारी से पीड़ित होकर मरने वालों का अंतिम संस्कार भी अपने खर्चे पर करने का निर्णय लिया है। कोविड किचन से जुड़े हुए युवा जितेंद्र पाल पाठी ने बताया है कि वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी वो लोगों की हर संभव मदद करते रहेंगे। विकास नगर पचवादून क्षेत्र में कोरोना काल में आप पार्टी जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए सड़कों पर उतरी है। सबसे पहले दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सैनिटाइजर, मास्क और राशन वितरित किया गया। बता दें कि पिछले एक महीने से आम आदमी पार्टी नेता गांव-गांव जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। क्षेत्र में दिव्यांगों की दशा बड़ी दयनीय है, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी नेता के द्वारा सभी क्षेत्र के दिव्यांगों एवं कैंसर पीड़ितों को राशन की किट और मास्क सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। मीडिया बंधु, हम पिछले एक माह से जब से कोरोना का संक्रमण विकास नगर विधानसभा में बढ़ा है, पूरे भारत में बढ़ा है, लेकिन हमारी विकास नगर विधानसभा में उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा जो संक्रमित व्यक्ति पाए गए वो हमारी विकास नगर विधानसभा में पाए गए। और ये देखकर हमने एक अभियान चलाया, गांव बचेगा तो देश बचेगा। हमने घर घर जाकर सभी घरों को सैनिटाइज कराया और प्रत्येक घर को एक हैंड सैनिटाइजर और जितने घर में मेंबर हैं। रुड़की में किसान कामगार मोर्चा के अध्यक्ष ने अपने कार्यालय में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर कार्यालय का कार्यक्रम का आयोजन किया है। आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए पत्रकारों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए और फ्रंटलाइन योद्धाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टरों के साथ में पुलिस और पत्रकार भी जिम्मेदारी के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। भाई ये कहते हैं इन्होंने पत्रकार जो है बहुत बड़ा मान होते हैं, ऐसे तो होते नहीं, ये कार्य कर रहे। कोरोना काल में भी लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत मल्या जैसे किसी की जरूरत है उसकी जरूरत भी पूरी करा रहे, किसी का कोई काम उसका काम भी करा रहे। तो इनका तो ये तो चौथा स्तंभ है पत्रकार, तो पत्रकार हुए, डॉक्टर हुए, पुलिस वाले हुए, पुलिस प्रशासन भी बहुत सहयोग कर रहा है कोरोना में। तो आपका तो जितना आपका वो कर ले, वो अभिनंदन कर ले जितना। ऋषिकेश में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों को सम्मानित किया। यहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान सम्मानित हुए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीकी और सोशल मीडिया के दौर में हिंदी पत्रकारिता के समक्ष नई चुनौतियाँ हैं। कलियर में रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापेमारी की है, जिसमें कि शौचालय से आपत्तिजनक स्थिति में एक महिला और पुरुष को पकड़ा गया। दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पर शौचालय संचालक मौके से फरार हैं। दरअसल कलियर में दरगाह की ओर से शौचालय का निर्माण किया गया है। पहले ये शौचालय ठेके पर संचालित किया जा रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों से ठेका समाप्ति के बाद में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। वहीं पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सूचना मिली कि शौचालय परिसर में बनाए गए कमरे में देह व्यापार हो रहा है। सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल मौके पर पहुंचे, छापेमारी की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि जल्द ही संचालककर्ता को पकड़ा जाएगा। दरगाह प्रबंधक मोहम्मद हारून ने बताया है कि शौचालय खुला होने की वजह से इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर शौचालय में इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का निकलना जारी है। लगातार जंगली जानवरों के निकलने से इलाके में हड़कंप है, दहशत का माहौल है। एक मकान में जहरीला सांप निकला है, जिसके बाद में लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, टीम ने सांपों का रेस्क्यू किया है। वन विभाग के सांपों को वापस सुरक्षित छोड़ दिया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।